हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आजकल महंगाई थोड़ी बढ़ गई है, इसलिए लोगों ने इधर उधर आना जाना भी कम कर दिया है। मंदी भी आ गई है, साथ में टेंशन भी बढ़ गई है। मगर ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते ना, जिंदगी तो चलती रहेगी। तो लोग टेंशन कम करने के लिए घूमने जाते हैं रिसॉर्ट वगैरह में। ऐसे में आप भी किसी रिसॉर्ट में गए हैं टेंशन कम करने के लिए, और आप घूम रहे हैं वहां के गार्डन में, और अचानक न जाने कहां से जमीन के नीचे से एक पुराना गड़ा हुआ मुर्दा सामने आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? लोग भी न जाने कहां कहां जाके मुर्दे गाड़ते हैं। अब इस केस में यही हुआ, हमें एक मुर्दा मिला गड़ा हुआ। अब ये मुर्दा बेचारा क्या बताएगा, उसे किसने मारा है? अच्छा, मुर्दे के साथ में कुछ भी नहीं था, ना कोई पेपर, ना पर्स, ना अंगूठी, ना कपड़ा। तो पता लगाएं तो लगाएं कैसे कि ये आदमी है कौन? रिसोर्ट वाले से क्या पूछे, वहां से कोई आदमी गायब हुआ नहीं था। तो ये मुर्दा यहां पे पहुंचा कैसे? बस एक चीज साफ थी, वो ये कि किसी ने मुर्दे को गाड़ते समय उसके ऊपर कुछ एसिड डाल दिया था, एसिड, ताकि मुर्दा पूरी तरह से गल जाए। एसिड, और कोई सुराग नहीं था हमारे पास में। मगर डॉक्टर साळुंखे को तो आप जानते हैं, जब उन्होंने मुर्दे का मुंह खोला तो उसके अंदर से जो कुछ निकला वो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। आंखें फटी की फटी रह गई। आप भी देख लो, वो चीज थी क्या? ओके सर, बाय, टेक केयर। मुझे एक रूम चाहिए, पीछे की तरफ जिस रूम से नदी दिखती है वो वाला। जरूर मैम। और हाँ, मैं यहाँ आराम करने आई हूँ, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ओके, थैंक यू। हेलो, हाँ मैं पहुँच गई। कहा उससे तुम्हें क्या मतलब? मैंने तुमसे कहा ना मुझे फोन करके परेशान मत करो। नहीं बताऊंगी। क्यों बताऊं मैं तुम्हें? ये लीजिए मैम, आपके रूम की चाबी, रूम नंबर 603। ये वही रूम है ना जो मैंने आपसे कहा था? यस मैम। थैंक यू वेरी मच। चोर, मेरा लैपटॉप! पकड़ो उसे, पकड़ो! मैनेजर साहब, मेरा लैपटॉप मेरे लिए बहुत जरूरी है और ये पकड़ी है। क्या खूबसूरत जगह है भाई, वाह, सिंपली ग्रेट। कितनी अच्छी हवा चल रही है यार। बड़े अजीब आदमी हो साळुंखे, तुम्हारे हाथ में इस मुर्दे की खोपड़ी है और तुम्हें यहाँ की हवा खूबसूरत लग रही है। तुम लोगों के मजे यार, हमेशा नई नई जगह ढूंढने को मिलती है। लाश सर, क्या लगता है आपको ये हड्डियाँ कब से गड़ी होंगी यहाँ पे? तो कहना मुश्किल है लावण्या, किसी ने लाश पर तेजाब डाल दिया ताकि लाश अच्छी तरह से गल जाए। ये देखो, तेजाब डाल दिया है। तो साळुंखे, अगर तेजाब डाल दिया है तो फिर ये कौन है ना? लगता तो ऐसा ही। बस लाश के ऊपर के कपड़े और ये कुछ हड्डियां पूरी तरह से गल गई। बॉस, इस कंकाल की एक एक चीज की बहुत बारीकी से जांच करनी पड़ेगी। साळुंखे, अगर तुम चाहो ना तो ये सारा का सारा बगीचा अपने फोरेंसिक लैब में लेकर जा सकते हो। बस मुझे सिर्फ एक सुराग ढूंढ कर दे देना, बस। ओके। मैनेजर साहब, इतना बड़ा रिसोर्ट संभालते हैं आप, ये कंकाल आपको पहले नहीं दिखाई दिया? सर, मैं सच कह रहा हूँ, आज से पहले हम में से किसी ने भी इस कंकाल को नहीं देखा। अच्छा, ये रिसॉर्ट बना कब है?
सर, 2 साल। 2 साल पहले? अगर ये लाश 2 साल पुरानी होती ना तो रिसॉर्ट बनाते समय मिल जाती, खुदाई उदाई करते समय, समझे आप? जी सर। इसका मतलब सर ये खून 2 साल के अंदर ही हुआ है। अच्छा, क्या पिछले 2 साल में यहाँ से मेरा मतलब है आपके रिसॉर्ट में से कोई गायब हुआ है, कोई स्टाफ मेंबर या कोई टूरिस्ट? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वैसे हमारा रिसॉर्ट काफी माना हुआ है। तो फिर मैनेजर साहब, जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि ये खून किसका हुआ है और खून किसने किया है, आपका ये माना हुआ रिसॉर्ट बंद रखना पड़ेगा। सबूत चाहे चींटी से छोटा ही क्यों ना हो, हमें मिलेगा जरूर। सर, अगर सबूत नहीं मिला तो? फ्रेडरिक ऐसे मत बोलो, नहीं तो सारों के तुम्हें यहाँ आने से मना कर देंगे, समझे? नहीं नहीं, फ्रेडरिक अच्छा बच्चा है, इसे यहाँ आने से नहीं रोका जाएगा। नादान है लेकिन अच्छा बच्चा। थैंक यू सर, देखा, अच्छा बच्चा। अरे सारों के साहब के सामने तो हम लोग नादानी है, वैसे हम लोगों से भी बहुत प्यार करते हैं सारों के साहब। गलत, एकदम गलत अभिजीत। इनफैक्ट तुम्हें यहाँ देख करके तो मेरे दिमाग में से धुआं निकलने लगता है। क्यों? क्यों सर, मैं तो देखो अभिजीत, हमारी तुम्हारी दोस्ती सिर्फ तब तक है जब तक यहाँ पर लाश नहीं आती। एक बार लाश यहाँ से गई, हमारी तुम्हारी गायबा। सालों के साथ अभिजीत और मैं आपकी बहुत इज्जत करते हैं, और आपका ये आइडिया कि सारी की सारी हड्डियों को धो के निकालना बहुत अच्छा है सर। वाह, कमाल का आइडिया है। नहीं भैया, ये आइडिया मेरा नहीं है, डॉक्टर तारिका का। क्या? तारिका का आइडिया है? नाचो नाचो, जोर से नाचो। सर, इन हड्डियों से यह साफ पता चलता है कि इनके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है, जिससे ये सारी हड्डियां गल जाए और इनका पता ही ना चले। बाथरूम पाइप और गटर को धोने के लिए काम में आता है ना, वही डाल दिया होगा मुर्दे के ऊपर। समझे, ये जो हड्डियां हैं ये एक आदमी की ही है ना? हाँ बाबा, ये हड्डियां एक आदमी की है। ये देख, ये देखो बस, ये एक आदमी है और इसकी उम्र करीब 25 से 40 साल के बीच में। ये छेद देख रहे हो? हाँ, बुलेट हो गए, गोली पीछे से चलाई है किसी ने। इसकी कुछ आवाज आ रही है, देखो। तो कहीं गोली तो नहीं अंदर? अगर गोली है तो और भी अच्छा, हम उस बंदूक तक पहुंच सकते हैं जिससे ये खून हुआ है। एक मिनट, बस इसके अंदर कुछ है जरूर, लेकिन गोली है। गोली नहीं है तो फिर क्या है? अभी पता चलता है। तुम्हें आज तक लोगों को पैसे खाते हुए सुना है, यहाँ तो यह आदमी पूरा क्रेडिट कार्ड ही खा गया। हाँ, मगर अच्छा हुआ ये क्रेडिट कार्ड का टुकड़ा इस आदमी के मुंह में था, ये तो एसिड से ये भी गल जाता। चलो, कम से कम इस टुकड़े से पता तो चलेगा कि ये आदमी है कौन। अभिजीत, कभी कभी भगवान भी मदद करने के लिए आ जाता है, देखो ना।
मरने वाला जाते जाते एक निशानी छोड़ गया। पर सर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मरने वाले के मुंह में वो क्रेडिट कार्ड पहुंचा कैसे। सब ऊपर वाले का खेल है, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमें पता लगे कि ये मरने वाला है कौन और जल्दी से जल्दी हम उसके खूनी तक पहुंचे। सर एक बार पता चल जाए कि ये मरने वाला कौन है उसके खूनी को भी पकड़ लेंगे। अब सारुंके ने तो बता दिया कि उस टुकड़े में क्या लिखा हुआ था, ये बैंक वाले दबा के बैठे हुए हैं। वही तो, मैं तो दिन में 10-10 बार फोन आते कि हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो, हमसे 10-10 लाख का हाउसिंग लोन ले लो, लेकिन आज जब हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उनसे तो इनकी चोट पर। ऐसा ही होता है सर। सर घर खरीदने के लिए मैंने लोन मांगा तो बैंक वालों ने मना कर दिया। सर क्यों मना कर दिया? कहने लगे कि लोन महंगा हो गया है, 6 महीने बाद बात करेंगे। सर घर खरीदने का मेरा सपना मिट्टी में मिल गया। सर हो जाएगा। अच्छा ये बता क्या तुम्हें याद है सांके ने क्या बताया था उस क्रेडिट कार्ड के टुकड़े पर क्या लिखा? हाँ सर वो ये WX057Y4। WX057Y4। सर ये नंबर हमने बैंक वालों को पहले दे रखा है, अभी तक बता नहीं रहे कि किसका कार्ड है ये। सर मरने वाले के मुंह में कार्ड का टुकड़ा मिला है तो ये कार्ड उसी का होगा ना? हो सकता है। फ्रेडरिक्स एक काम करो, जैसे ही पता चले कि ये मरने वाला है कौन उसके घर वालों से जाकर बताओ उसके मौत के बारे में। सर मैं नहीं जाऊंगा सर, बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है सर। हेलो जी हाँ 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 या या बताइए बताइए। अच्छा कालिंदी कॉटेज 3rd Cross Road जुहू। ओके थैंक थैंक यू। बैंक वाले का फोन था? हाँ सर मरने वाले का पता चल गया है, उसका नाम स्वराज कुमार है, जुहू में रहता है। स्वराज कुमार जुहू। सीआईडी ऑफिसर हूँ अभिजीत। सीआईडी ऑफिसर आइए ना आइए बैठिए ना। नहीं, थैंक यू। पर बात क्या है जी? स्वराज। स्वराज वो मेरा बेटा है, क्या हुआ मेरे बेटे को? दरअसल हमें एक लाश मिली है। लाश जी? कुछ हड्डियां ही बची हैं उसमें और ऐसा लगता है कि वो आपके बेटे स्वराज की है। क्या स्वराज की हड्डी है? नहीं नहीं संभालिए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। संभालिए। नहीं अरे नहीं। क्या हुआ? नहीं अरे अरे क्या हुआ? शायद क्या हुआ? बेटे की मौत का सदमा लग गया है। बेटे की मौत? ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? जी मजाक नहीं है, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। हमें कंकाल कुछ हड्डियां मिली है जो शायद इनके बेटे स्वराज की है। हद कर रहे हैं आप, मैं इनका बेटा हूँ और मेरा नाम स्वराज है। स्वराज बेटा? पापा बेटा 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 तुम ठीक तो हो ना? ये कह रहे थे कि हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने हूँ, घबराइए मत, आप अंदर जाइए आराम कीजिए। जी बेटा। चलिए I'm really very sorry। क्या है कि आपके बैंक का क्रेडिट कार्ड मिला है उन हड्डियों के साथ में तो हमें ऐसा लगा कि आपकी मौत हो गई है। मेरा क्रेडिट कार्ड मिला है? जी हाँ। ओह तो वो चोर मर गया। चोर? आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हुआ था क्या? जी हाँ 6 महीने पहले। ओह, आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है कार्ड चोरी होने की? जी हाँ लिखवाई तो थी, पर अब क्या फर्क पड़ता है, वो चोर तो मर गया ना। फर्क पड़ता है मिस्टर स्वराज, क्योंकि उस चोर का खून किया गया है और हमें उस खूनी तक पहुंचना है। क्या हुआ फ्रेडरिक्स, पेट में इतनी गुदगुदी क्यों? कभी कभी मुझे विवेक की बातों पे इतनी हंसी आती है सर कि जी करता है जमीन पे लेट के हंसते रहूं। लगता है आते आते इसने कुछ खा लिया है। कुछ नहीं खाया सर। विवेक कह रहा है कि हमें उस चोर को ढूंढना पड़ेगा जिसने वो क्रेडिट कार्ड चुराया है। भाई साहब फॉरेंसिक लैब में जो लाश पड़ी है वो किसकी है? अरे वही तो चोर है, क्रेडिट कार्ड मुंह में लेके मरा है वो। फ्रेडरिक्स मैं ये कह रहा था कि अब हमें ये पता लगाना है कि उस चोर का नाम क्या था। फ्रेडरिक्स बिल्कुल सही कह रहा है विवेक, अब उस चोर का भी तो खून हुआ है ना, तो उसका खून किसने किया ये ढूंढ निकालने के लिए हमें ये भी तो पता लगाना चाहिए ना कि वो चोर है कौन। सर
सर, स्वराज ने कहा था कि उसका सिर्फ क्रेडिट कार्ड चोरी हुआ था और क्रेडिट कार्ड रखा था पर्स में। हाँ तो सर, एक मिनट में जरा स्वराज को फोन करता हूँ। बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? हेलो मिस्टर स्वराज, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ CID से। ऐसे ही। अच्छा जरा याद करके बताइएगा, आपका सिर्फ क्रेडिट कार्ड चोरी हुआ था या कुछ और भी? सर क्रेडिट कार्ड, ये पर्स कहाँ पे था? याद नहीं? शायद घर से चोरी हुआ हो। ओ अच्छा। हाँ ओ, कह रहा घर में सिर्फ उसके पिताजी हैं और कोई भी नहीं। और ऑफिस में? शायद ऑफिस से चोरी हुआ हो, हो सकता है। कभी कभी डेस्क में पर्स रख के भूल जाते हैं। हाँ तो किसी ने वहीं से निकाल लिया होगा ना। हाँ अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। या अच्छा, ऑफिस से ही चोरी हुआ है। चोर शायद ऑफिस में ही है। सर मुझे नहीं ऐसा लगता कि यहाँ इस ऑफिस में कोई मेरा क्रेडिट कार्ड चोरी कर सकता है। यहाँ तो सब शरीफ लोग काम करते हैं। हाँ स्वराज साहब, ये शरीफ लोग भी कभी कभी जुर्म करते हैं, समझे? 6 महीने पहले इनका क्रेडिट कार्ड चोरी हुआ है और चोर शायद आप लोगों में से ही कोई है। कौन कौन काम कर रहा है 6 महीने पहले से यहाँ इस कंपनी में? सब लोग यही हैं या कोई छुट्टी वगैरह पे गया हुआ है? नहीं सर, सब लोग यहीं पर हैं। आप? मैं यहाँ की HR डिपार्टमेंट की हेड हूँ। ओह अच्छा, 6 महीने पहले कोई काम छोड़ के गया हो यहाँ से? अचानक नौकरी छोड़ दी हो किसी ने? 6 महीने पहले? जी हाँ, 6 महीने पहले। जरा याद कीजिए, सोचिए जरा। हाँ, यहाँ पे एक शादीशुदा जोड़ा काम करता था, राजीव और स्मृति। अचानक उन दोनों ने काम पे आना बंद कर दिया था। अचानक काम पे आना बंद कर दिया? ये काम पे आना बंद किया था उन लोगों ने या आप लोगों ने निकाल दिया था? नहीं सर, वो बगैर किसी को बताए यूं ही गायब हो गए। कौन सी तारीख से नहीं आ रही ये दोनों काम पे? एक मिनट सर। किसमें? क्रेडिट कार्ड चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी आपने 22 को ना? जी हाँ, 21 की रात को ही मुझे मालूम चला कि मेरा क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया और अगले ही दिन मैंने रिपोर्ट लिखवा दी थी। मतलब जिस दिन तुम्हारा क्रेडिट कार्ड गायब हो गया उसी दिन से ये पति पत्नी भी गायब हो गए हैं? सर, जगदीश नाम का ड्राइवर भी 6 महीने से काम पे नहीं आ रहा है। कमाल है स्वराज साहब, आपके इस क्रेडिट कार्ड ने क्या क्या कर दिया है? एक पति पत्नी गायब हो गई और ये ड्राइवर भी गायब हो गया। बाय द वे, ये ड्राइवर जगदीश कब से गायब है, तारीख बताइए जरा। सर उसी दिन 21 मई से। 21 मई से? उसी दिन से ड्राइवर गायब? 3 लोगों ने ऐसे ही अचानक काम पे आना बंद कर दिया और तुम लोगों ने पता लगाने की कोशिश नहीं कि कहां गए ये लोग? ठीक है, इन लोगों के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमें दीजिए जल्दी। तीनों के घर चलकर देखते हैं इनका हाल चाल क्या है, देखते हैं पिछले 6 महीनों से ये लोग कर क्या रहे हैं। कहिए क्या बात है? राजीव है घर में? राजीव? जी हाँ, हम राजीव और स्मृति से मिलने आए हैं। राजीव और स्मृति, आप लोग जाइए यहाँ से, अभी इसी वक्त निकल जाइए यहाँ से। देखिए हम लोग CID से हैं और हमारा राजीव और स्मृति से बात करना बहुत जरूरी है। CID? जी हाँ, CID से। राजीव है घर में? राजीव, राजीव आया है। राजीव कहाँ है? शांति, राजीव नहीं आया, राजीव से मिलने कुछ लोग आए हैं। इसीलिए कहता था आप लोगों को यहाँ से जाने के लिए। कोई बात क्या है, ये रो क्यों रही है? जिस माँ का जवान बेटा अचानक एक दिन गायब हो जाएगा वो माँ फिर रोएगी नहीं तो क्या करेगी? क्या राजीव गायब है? 21 मई को वो अचानक गायब हो गया। पता नहीं कैसा मनहूस दिन था वो जिस दिन हमारा बेटा गायब हो गया। और स्मृति? 1 महीने तक वो बहुत परेशान रही, उसके बाद अचानक ना जाने वो कहीं चली गई। दिन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते, भगवान करे वो दोनों ठीक हो।
थैंक्स, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे सर, कोई दरवाजा खुल नहीं रहा सर। और मैं भी देख रहा हूँ फ्रेडरिक। अरे सर, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर कोई दरवाजा खोल नहीं रहा है तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। यस सर, हमें दरवाजा तोड़ देना चाहिए, लेकिन दया सर तो यहाँ है ही नहीं। तो तुम्हारा क्या मतलब है, मैं दरवाजा नहीं तोड़ सकता? सर ये मैं क्या लगा रखी है, मैंने पहले बहुत दरवाजे तोड़े हैं और मैं केस सॉल्व करने में ताकत के अलावा ब्रेन भी इस्तेमाल करता हूँ। दया का क्या है सर, वो तो सिर्फ ताकत ही इस्तेमाल करता है। दया का क्या है? क्या है सर, मैं ये कहना चाहता था कि अगर दया सर यहाँ पे है नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ देता हूँ। तुम? हाँ। क्या सर, चांस देते हैं इसको? हाँ अभिजीत, कभी कभी बच्चों को चांस देना चाहिए। बच्चा? ठीक है बच्चे, तुम दरवाजा तोड़ सकते हो। तुम अपने सिर से दरवाजा तोड़ सकते हो? सिर से? मैं अपना सर इस दरवाजे पे पटकू? अरे कंधे से दया तोड़ता ही रहता, नॉर्मल है। तुम अलग हो फ्रेडी, तुम कुछ अलग करके दिखाओ। अभी तोड़ता हूं। ओए ओए बच्चा लोग, क्या करता है तुम? बम क्या करता है बच्चा लोग? सर आपको बच्चा बोली? हाँ ठीक है। हाँ माजी, देखिए हम जगदीश से मिलना चाहते हैं। क्यों, जगदीश से क्यों मिलना है? तुम लोग दोस्त लोग उसका? हम लोग CID। देखिए माजी, ये जगदीश है कहाँ? यहाँ नहीं है वो। यहाँ नहीं है मतलब? सारा का सारा सामान लेके वो भाग गया यहाँ से। अच्छा, ये जगदीश भागा कब? 6 महीने पहले। आपको आपको तारीख याद है? बिल्कुल याद है, उस दिन हमारा मैरिज एनिवर्सरी था, 21 मई। 21 मई? सर 21 मई को तो जगदीश ऑफिस से भी भागा था। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस दिन स्वराज कुमार का क्रेडिट कार्ड चोरी हुआ उसी दिन उसके ऑफिस में से 3-3 लोग गायब हो जाते हैं। गायब? अरे ऐसे कोई नौकरी छोड़ता है क्या? और सर उनमें से एक ड्राइवर है। हाँ, एक ड्राइवर है। ये ड्राइवर क्यों गायब हुआ होगा? शायद दोनों ने चोरी की होगी और भागने के लिए गाड़ी चाहिए थी, इसीलिए ड्राइवर को भी साथ ले गए। नहीं नहीं फ्रेडरिक्स, कोई कारवार चोरी नहीं हुई है, ये तीनों के तीनों भागे हैं। हो सकता है सर इन तीनों में से किसी ने भी चोरी ना की हो। हो सकता है, पर ये तीनों के तीनों भागे क्यों, और वो भी उसी दिन जिस दिन चोरी हुई है? सर वो लाश जो है वो जरूर राजीव या जगदीश में से किसी की होगी। सर वो लाश किसी ऐसे आदमी की भी हो सकती है जो इन लोगों के साथ मिला हुआ था। नहीं नहीं विवेक, अब मरने वालों के लिस्ट में और नाम जोड़ने की कोशिश मत करो, हमारे पास ऑलरेडी 3 नाम है। पहले देखते हैं लाश इनमें से किसकी है। अब सर चूंकि लाश एक आदमी की है इसलिए स्मृति का नाम तो पहले से बाहर हो गया है, बचे 2, राजीव और जगदीश। नहीं नहीं सर, राजीव और स्मृति का जगदीश से कुछ भी लेना देना नहीं था। आपको तो मालूम है राजीव और स्मृति तो सेल्समैन थे और जगदीश एक मामूली सा ड्राइवर था। चलो मान लिया जगदीश एक मामूली सा ड्राइवर था, लेकिन उसका सेल्स वालों के साथ कोई ना कोई संबंध तो जरूर आता होगा। हाँ हेलो तो होती ही होगी। खैर छोड़ो, ये बताओ ये तीनों तुम्हारी कंपनी में कब से काम कर रहे थे? सर राजीव और स्मृति तो पिछले 4 साल से थे और जगदीश बस यही कोई 1 साल पहले ही आया था। सर जगदीश को तो मैं काम से ही निकालने वाली थी। क्यों? बहुत ही खराब गाड़ी चलाता था, एक बार तो उसने कंपनी की गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया था। हाँ सर, महीने में 3-4 चलन तो उसके नाम पे कट जाते थे। इसका मतलब कभी टेढ़ा ड्राइवर था? जी हाँ, इससे पहले मैं उसे निकालती वो खुद ही चला गया। अच्छा ये राजीव और स्मृति, ये लोग काम में कैसे थे? सर ये दोनों तो बहुत मेहनती थे, अगर ये जॉब नहीं छोड़ते तो शायद इनका प्रमोशन भी हो जाता। अच्छा कुछ और बता सकते हैं दोनों के बारे में, ये दोनों कैसे लोग थे, इनके पर्सनल लाइफ में क्या क्या हो रहा था? हम उनके पर्सनल लाइफ के बारे में क्या बता सकते हैं? दोनों शादीशुदा थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और हाँ, 20 मई को जब मैं राजीव को एक फाइल देने गई थी तो मैंने सुना। हाँ मुझे एक कमरा चाहिए, एक डबल रूम, मैं और मेरी वाइफ आ रहे हैं।
हाँ वैसे बहुत नाम सुना है आपके रिजॉर्ट का, कमरा तो मिलेगा ना? ठीक है मैं होल्ड करता हूँ, आप चेक करिए। एक्सक्यूज मी। हाँ ओके ओके मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्यों राजीव, रिसोर्ट में कमरा? अरे नहीं यार, बस वो तो ऐसे ही। अच्छा ये बताओ किसके साथ जा रहे हो छुट्टी मनाने? अरे और किसके साथ जाऊंगा यार, अपनी वाइफ स्मृति के साथ ही तो जाऊंगा। हाँ पर एक बात है, स्मृति को इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्यों, उसके साथ जा रहे हो ना? अरे बाबा सरप्राइज भी तो कोई चीज होती है। राजीव ने किस रिसोर्ट का नाम दिया था? मैं उस रिसोर्ट का नाम तो नहीं जानती, लेकिन फोन पे ये कह रहा था, बहुत नाम सुना आपके रिसोर्ट का। वो स्मृति के साथ ही जाने वाला था ना रिसोर्ट में? हाँ सर, वो दोनों एक रिसोर्ट में गए थे और वो हड्डियां भी हमें एक रिसोर्ट में ही मिली थी। हो सकता है राजीव भी उसी रिसोर्ट में गया होगा। काम करते हैं, दोबारा उस पाम व्यू रिसोर्ट में चलते हैं, देखते हैं राजीव वहां पर गया था या नहीं। 21 महीना सर। जी हाँ 21 में, किसी राजीव नाम के आदमी ने जरूर बुकिंग कराई होगी। एक मिनट सर। नहीं सर, 21 मई को राजीव नाम का कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं आया है। तो फिर 22 तारीख चेक करो, शायद एडवांस में बुकिंग किया होगा। जी सर। नहीं सर, पूरे मई महीने में राजीव नाम के किसी भी आदमी ने कोई भी कमरा बुक नहीं कराया। ये कैसे हो सकता है? मैनेजर जरा अपने कंप्यूटर में चेक करो। जी सर। 21 मई ना? हाँ सर, उस दिन 10 बुकिंग हुई थी, मिस्टर शर्मा, मिस्टर करण, मिस्टर जगदीश। एक मिनट, क्या नाम लिया आपने? जगदीश? जी सर, मिस्टर जगदीश। इसका एड्रेस क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, सूर्य लोक कॉलोनी खार। अरे सर ये उसी खतरनाक औरत का घर है जो मेरे पीछे पड़ी थी। जगदीश क्या ये आदमी था? जगदीश यहाँ कमरा बुक करता है इतने महंगे रिसोर्ट में? तो मामूली ड्राइवर है वो? सर वो तो बहुत आता था, यहाँ का रेगुलर कस्टमर है और हर महीने अपनी बीवी के साथ आता था। बीवी के साथ? जी। अभी जी, उसके लैंडलॉर्ड ने कभी उसके बीवी के बारे में हमें कुछ बताया नहीं, अब ये बीवी कहाँ से पैदा हो गई? कहीं सर ऐसा तो नहीं है राजीव यहाँ आया हो और उसी ने नकली नाम से कमरा बुक करवाया हो? हो सकता है। एक जरा ये देखिए, क्या ये दोनों भी आए थे उस दिन? सर ये आदमी तो नहीं, हाँ ये औरत आई थी। ये औरत यहाँ आई थी? अभिजीत ये स्मृति यहाँ अपने पति के बगैर आई थी? सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कि ये औरत स्मृति अपने पति के बगैर आई थी, लेकिन जगदीश ही तो इसका पति है। कमाल है अभिजीत, ऑफिस के लोग तो कह रहे थे कि स्मृति राजीव की पत्नी है और अब वो जगदीश की पत्नी बनकर यहाँ आई थी। इसका मतलब है सर जगदीश का और स्मृति का अफेयर चल रहा था। कमाल है पहले हड्डियां मिलती है, फिर हड्डियों में एक क्रेडिट कार्ड का टुकड़ा मिलता है और फिर पता चलता है कि वो क्रेडिट कार्ड पहले से ही चुराया हुआ था और अब पता चलता है कि ये कोई प्यार व्यार का चक्कर है, कोई अफेयर चल रहा है। मगर सर ऑफिस में किसी को पता कैसे नहीं चला? पता था ना अभिजीत, राजीव को पता था कि स्मृति का अफेयर चल रहा है। पर सर उसने तो फोन करके रिसोर्ट में बुकिंग करवाई थी अपनी वाइफ स्मृति को सरप्राइज देने के लिए। सरप्राइज मिला ना, राजीव ने वहां खुद जाकर उन दोनों को पकड़ लिया। मतलब सर वो लाश जगदीश की थी? राजीव की भी हो सकती है, राजीव गया जगदीश को मारने के लिए और झगड़े में जगदीश ने राजीव का फोन कर दिया, किसी की भी हो सकती है। सर अगर अफेयर करना ही था तो उन लोगों ने स्वराज का क्रेडिट कार्ड चुराया ही क्यों? सर जगदीश ने चुराया होगा, बार बार रिसोर्ट में जाने के लिए पैसे जो चाहिए थे। विवेक तुझे अभी बहुत दूर जाना है। दूर क्यों सर? सीधी सी बात है सर, जगदीश एक मामूली ड्राइवर था और उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने वो क्रेडिट कार्ड चुराया होगा। विवेक अगर उसने क्रेडिट कार्ड चुराया है
तो किया क्या उसने क्रेडिट कार्ड का? एक पैसे तक का खर्चा नहीं किया उसने। रिसोर्ट में पैसे क्रेडिट कार्ड से नहीं दिए, एक नींबू तक नहीं खरीदा उसने क्रेडिट कार्ड से। सर वो खरीदेगा कैसे? जिस दिन उसने वो कार्ड चुराया था उसी दिन तो वो मर गया। विवेक तू अपने आप को इतना होशियार समझता है ना, तो फिर बता लाश के मुंह में क्रेडिट कार्ड आया कहां से? सॉरी सर वो मुझे अभी तक मालूम नहीं है। एक मिनट फ्रेडरिक्स, ये तब तक पता नहीं चलेगा कि ये लाश किसकी है जब तक हम उन तीनों में से किसी एक को जिंदा नहीं पकड़े। सर आपको याद है ऑफिस में जगदीश के बारे में वो आदमी क्या बात कर रहा था? हाँ सर, महीने में 3-4 चलन तो उसके नाम पे कट जाते थे। अगर सर जगदीश अभी भी जिंदा है तो वो कहीं ना कहीं ड्राइवर का काम कर रहा होगा। ड्राइवर का काम कर रहा होगा और वैसे ही ड्राइविंग भी कर रहा होगा, और सर उसका बार बार चालान भी कट रहा होगा। तो अभिजीत जल्दी से ट्रैफिक पुलिस में जाकर पता करो, देखो इस जगदीश का कोई चालान वालान कटा है क्या, वहीं से पता चलेगा कि वो है कहां। अरे भाई साहब छींकना है तो थोड़ा आराम से छींकिए, आपने तो पूरा ऑफिस ही ला के रख दिया। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, हमें ये आदमी चाहिए। जगदीश प्रताप, पिछले 6 महीने में इसका कोई चालान कटा है क्या? एक मिनट सॉरी, वो यहाँ पे टिश्यू पेपर नहीं है ना, वो सरकारी मामला है ना, मैं भी देखकर बताता हूँ। मिल गया, इस आदमी के पिछले 6 महीनों में 3 बार चालान कटा है। मतलब जगदीश जिंदा है, वो लाश और राजू की थी। इसका पता मिल सकता है क्या? जी हाँ, ये देखिए ये आदमी नासिक में रहता है। ना, 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 अच्छी। विवेक तुम यहीं पर रुको। देखना शायद स्मृति अंदर हो। जी कहिए। आप जगदीश घर पे हैं क्या? नहीं वो तो काम पे गए। काम पे गए हैं? मगर आप? मैं उनकी पत्नी हूँ। ओ, आप जगदीश की पत्नी हैं? जी दरअसल 4 महीने पहले ही हमारी शादी हुई है। पर आप लोग? हम लोग जगदीश के दोस्त हैं। अरे आइए ना आइए। नहीं नहीं हम जरा जल्दी में। अच्छा ये बताइए जगदीश आजकल काम कहाँ करता है? जी वो तो कोल्हापुर में है। कोल्हापुर में? ओहो अच्छा, उसका पता है आपके पास? जी अभी देती हूँ। नई बीवी नया काम। लेकिन अभिजीत ये स्मृति कहाँ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जगदीश ने स्मृति को भी? हो सकता है सर, हो सकता है। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अरे कम से कम चाय तो पीते चाहिए। नहीं नहीं आप चाय जगदीश के साथ पी लेंगे कोल्हापुर में। जी यहाँ तो कोई गाड़ी दिखी नहीं रही है, शायद काम पे गया होगा। सर फिर से वही बात। सर कोई दरवाजा खोल नहीं रहा है। तो मैं क्या करूं, सिर से तोड़ना है? फिर से? ये कौन सा नया तरीका दरवाजा तोड़ने का? ये तरीका फ्रेडी ने ढूंढा है, इससे दिमाग जरा ठीक ठाक रहता है। रेडी फ्रेडी? यस सर। चलो आजा। स्मृति तुम? जी, लेकिन आप लोग कौन हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं? दरअसल हम तुम्हारे पति के दोस्त हैं, तुम्हारी काफी तारीफ करता है वो। अच्छा। वो है अंदर? कौन? आपके पति और कौन? जी नहीं वो घर पे नहीं है। ठीक है हम लोग इंतजार कर लेते हैं। देखिए शायद उन्हें आज आने में देर हो जाएगी, आप लोग कल आ जाइए। चलो ठीक है जैसी आपकी मर्जी, हम फिर कभी आते हैं। सर
दाल में जरूर कुछ काला है सर। अरे सारी दाल ही काली है फ्रेडरिक, और इसमें तड़का दिया इस जगदीश ने। बीवी एक है घर पर और गर्लफ्रेंड है यहाँ पर कोल्हापुर में। मानना पड़ेगा सर इस जगदीश को, एक साथ दो दो अफेयर और किसी को कानो कान भनक भी नहीं है। चलो फिर इस महापुरुष जगदीश का एक अच्छा सा स्वागत ही कर देते हैं। जगदीश तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ मैं हूँ जगदीश, लेकिन आप लोग कौन हैं? सुना कि तुम ड्राइविंग बहुत अच्छी कर लेते हो। हाँ थैंक यू, लेकिन आपको कैसे पता? हमें तो ये भी पता है कि तुम मर्डर भी अच्छा कर लेते हो। मर्डर? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अरे वाह सर, ये तो एक्टिंग भी अच्छी कर लेता है। हाँ और वैसे शक्ल भी अच्छी है, तो क्या इसे रोल दे दे? वैसे भी बेचारा थक जाता होगा ना ड्राइविंग कर करके, भूल गया होगा। अभिजीत जरा इसे याद दिला दो। राजीव को जानते हो? राजीव? कौन राजीव? राजीव राजीव ये तो माला जपने लगा। राजीव भाई दया तुम ही संभाल लो इसे, मैं तो इंतजार ही कर रहा हूँ। हाँ तो भाग रहा है। मर्डर किया राजीव? अरे क्या मर्डर मर्डर लगा रखा है, मैंने किसी को नहीं मारा है। मैंने राजीव को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा राजीव को? उसकी बीवी स्मृति के साथ किसका अफेयर था? तुम्हारा ही ना। तो हम भी रिसोर्ट में तुम लेके गए थे ना उसको, और वहां राजीव आ गया तो मार दिया उसको। वहीं पे मारा उसे और वहीं पे गाड़ दिया। क्यों? मेरा स्मृति मेरे साथ के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, कोई अफेयर नहीं है। मेम साहब, स्मृति मेम साहब, वो तो मेरे लिए मेम साहब ही है। मैं जिनके लिए काम करता हूँ वो मेम साहब से प्यार करते हैं। अब ये नया खिलाड़ी कहाँ से आ गया बीच में? मेरे बॉस, उन्हीं ने राजीव को मारा है। है कौन ये तुम्हारा बॉस और कहाँ मिलेगा ये? वो आज रात को स्मृति मेम साहब से मिलने आ रहे हैं। सारे घर की लाइट क्यों ऑफ है? अरे भाई कोई नया सरप्राइज देना चाहती हो क्या? तुम लोग यहां? मिस्टर स्वराज, हमारा सरप्राइज अच्छा लगा ना? अरे अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो ना, जाने कहां से आ जाते हैं, छोड़ो। स्मृति और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन मेरा क्रेडिट कार्ड राजीव ने स्मृति के पास देख लिया, और फिर राजीव ने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया पाम व्यू रिसोर्ट में, है ना? हाँ, और गुस्से में मुझसे गोली चल गई और राजीव का खून हो गया। मगर तुम दोनों के प्यार के बीच में ये
जगदीश कहाँ से आ गया? मैं नहीं चाहता था कि किसी का मेरे ऊपर जरा भी शक जाए, इसलिए मैं सारी बुकिंग वगैरह जगदीश के नाम से करवाता था। फिर भी एक गलती हो गई तुमसे, लाश के पास अपना क्रेडिट कार्ड भूल गए तुम। अरे अरे अरे, अरे अभिजीत, ये मिस्टर स्वराज तो रोने लग, तब क्या करें, इन्हें छोड़ दें क्या? हाँ सर, छोड़ दीजिए। सच? हाँ, और हम चाहते हैं कि तुम हमारे नए रिसोर्ट में रहो, वहां पर तुम्हें खाना पीना कपड़ा लत्ता सब कुछ फ्री मिलेगा। ऐसी ऐसे थैंक यू वेरी मच सर। मगर तुम जानना नहीं चाहोगे हमारे रिसोर्ट का नाम? जी सेंट्रल जेल। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.